हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर साइंस टीचर वंदा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। द वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन एंड देयर यूजेज इज शोन इन द टेबल दैट फॉलोज। देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अलग अलग हिस्सों में जो है पेट्रोलियम जो होता है और उससे मिलने वाले जो और भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में अलग हो जाते हैं। अब उनमें जो कार्बन एटम होते हैं इस चेन में, वो जो है उनके यहाँ पर नंबर और उनके यूजेस जो है आगे देखिए इस टेबल में दिए जा रहे हैं। फ्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ क्लास एंड यूजेज। पेट्रोलियम गैस, अब पेट्रोलियम गैस की बात देखिए यहाँ पर है। पेट्रोलियम गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो होता है ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, तो 1 to 4 होते हैं। इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 to 4 होते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, तो पेट्रोलियम गैस का यूज आप सभी लोग जानते हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसका जो है हम इसे फ्यूल के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, घरों पे जो हमारे LPG सिलेंडर यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है पेट्रोलियम गैस का। सेकेंड है हमारा पेट्रोलियम एंड नाफ्था। अब पेट्रोलियम एंड नाफ्था का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ क्लास, इसमें जो है कार्बन एटम्स के नंबर कितने हैं, तो इसमें है 4 to 10। अब इस बात आती है कि इसका यूज क्या है, फ्यूल फॉर कार्स, एयरक्राफ्ट्स, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड केमिकल फॉर फैक्ट्रीज एंड इंसेक्टीसाइड्स। पेट्रोलियम एंड नाफ्था, इसका यूज होता है फ्यूल फॉर कार्स, कार्स में फ्यूल के रूप में, एयरक्राफ्ट्स में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जब हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं, एंड केमिकल फॉर फैक्ट्रीज एंड इंसेक्टीसाइड, और केमिकल के रूप में इसे यूज कर किया जाता है फैक्ट्री में और इंसेक्टीसाइड्स के रूप में। नेक्स्ट हमारा है डीजल। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट, इसका देखिए कितना दिया गया है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो है कार्बन एटम्स होते हैं 16 to 20। इसका यूज होता है फ्यूल फॉर हैवी ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जो डीजल होता है ये हैवी ऑटोमोबाइल जो होती हैं उसमें फ्यूल के रूप में यूज होता है, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है आपने देखा होगा लाइट जब नहीं रहती है तो जनरेटर का यूज किया जाता है, तो उसमें भी हम डीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरोसिन। जो केरोसिन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 10 to 16। इसका यूज क्या होता है, फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड एज जेट फ्यूल। इसे हम लोग स्टोव में, लैम्प्स में और जेट में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्यूल ऑयल। इसका जो होता है ये इसका होता है लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें नंबर ऑफ, मतलब इसका जो फ्यूल ऑयल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लेस देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें कार्बन एटम्स होते हैं 40 to 50। इसका यूज होता है फ्यूल फॉर शिप्स एंड पावर स्टेशन। ये जो है शिप्स में फ्यूल के रूप में और पावर स्टेशन पर यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस दैन 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कार्बन एटम्स 30 to 40 होते हैं। इसका यूज होता है पॉलिसेस एंड वैक्सेस एंड ल्यूब्रिकेशन फॉर मशीनरी, पॉलिश के लिए, वैक्स बनाने में, और ल्यूब्रिकेशन फॉर मशीनरी, इन सब में इसका यूज होता है किसका, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का। नेक्स्ट है बिटूमेन। बिटूमेन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है तब ये जो है अलग होता है, अराउंड 60। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड 60 होते हैं। इसका यूज होता है पेंट्स, टार फॉर रोड सर्फेक्टिंग एंड एज वेदर प्रूफिंग मटेरियल्स। पेंट्स बनाने में रोड पर जो तार पड़ता है, तारकोल, उसके लिए यूज होता है, सर्फेक्टिंग
के लिए यूज होता है, एज वेदर प्रूफिंग मटेरियल्स के लिए भी इसका यूज होता है बिटुमेन का। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्सेस। पैराफिन वैक्सेस जो होता है इसका भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में जो है अलग हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 40 to 50। इसका यूज होता है ऑइंटमेंट, कैंडल, पॉलिसेस, वैसलिन, वैक्स पेपर, वाटर प्रूफिंग एंड ग्रीस बनाने में। देखिए ये सारे जो है प्रोडक्ट जो हैं ये हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। जो हमारा पेट्रोलियम होता है ये फॉसिल फ्यूल है। जब ये कई सालों तक पृथ्वी के अंदर दब जाता है तो जो है उसमें हीट और जो है मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम में, फिर से खोदा जाता है, निकाला जाता है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो फैक्सिनेटिंग प्रोसेस होती है इसमें ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाते हैं। तो जब अलग होते हैं तो यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है कि सबसे पहले जो है इसमें से पेट्रोल जब ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसका जब बॉइलिंग पॉइंट पहुँचता है तब इसमें से पेट्रोलियम गैस जो है कलेक्ट हो जाती है। फिर उसके आगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पेट्रोलियम एंड नेफ्था अलग कर लिया जाता है, इसका यूज मैंने आपको बताया। फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल, फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फिर बिटुमेन, फिर पैराफिन वैक्स। अब देखिए जो हम लोग वैसलीन यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, LPG यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारे जो है हमें मिलते पेट्रोलियम से ही है। जब इसकी रिफाइनिंग यहाँ पर की जाती है तो फिर जो है यहीं से हमें ये सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है आपको बताया पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे मिलती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।